नीतीश कुमार जी जो 2005 में काम किए, आज नीतीश कुमार 2005 में नीतीश कुमार काम किए थे, दम किए थे, जो 74 सीट लेके आया है, 43 वाले को कुछ पूछता नहीं है। लेकिन लालू जी के पार्टी का तोड़ने का किसी का हिम्मत नहीं है। हम चैलेंज करते हैं, कभी बदलाव आ सकता है और उनमें निश्चित रूप से टूट होगा, कारण की आप सबको पद पर नहीं ला सकते हैं ना। हम उनके पार्टी को तोड़ेंगे, उनके पार्टी के लोग आएंगे, लोग बहुत संपर्क में लोग हैं, लगे हुए हैं कि नीतीश जी के यहाँ मान सम्मान नहीं मिल रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ सौरभ राज। बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार के ऊपर लगातार तेजस्वी यादव आक्रामक नजर आ रहे हैं, कभी कानून व्यवस्था के ऊपर तो कभी रोजगार को लेकर के, उन्होंने कहा है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार के युवाओं को बेरोजगार बना दी है मौजूदा सरकार, और ऊपर से जब वो सड़क पे अपने हक को लेकर के उतरते हैं तो लाठीचार्ज किया जाता है प्रशासन के द्वारा। हमारे साथ है RJD विधायक छोटे लाल राय, इनसे जानेंगे कि क्या नीतीश कुमार रोजगार देने में फेल हो गए हैं, और जिस तरीके से जब जदयू और भाजपा की तरफ से कहा जाता है लालू यादव का देन है बिहार में। सर, जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार आक्रामक नज़र आ रहे हैं, क्या मंशा है सर, आप लोग सरकार गिरा दीजिएगा? पहले तो मैं आपको बधाई दे दूँ नए साल का जी, और लाइव सिटी वाले लोग बहुत जो कवरेज होता है बहुत ढंग से करते हैं जी। देखिए नीतीश कुमार जी दम फेल हैं, 2005 में जो काम किए जी, आज 20 में वह काम नहीं हो रहा। हमारे जो नेता हैं आदरणीय तेजस्वी जी, उन्होंने स्वीकार किया था कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तब पहला कैबिनेट में हम 10 लाख लोगों का नौकरी का अनुशंसा करें। एक भी जनता क्यों रिजेक्ट कर दिया आप लोगों को? नहीं, हमको रिजेक्ट कहाँ किया जनता, अंतर बहुत कम है जी। हमारे कुछ टिकट में कुछ गड़बड़ी होने के कारण कुछ हम लोग गड़बड़ हो गए, हमारे जनता तो रिजेक्ट नहीं किया, जनता तो हम लोगों को बधाई दिया है, हम जधाई आज जनता को बधाई देते हैं, जनता हमको मदद किया है जी। और अगला पायदान भारी संख्या में हमारे तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। जिस तरीके से कानून व्यवस्था के ऊपर आप लोग सवाल उठाते हैं, रोजगार के ऊपर सवाल उठाते हैं, क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार सब जगह फेलियर है? आप देखें ना कि एक इंडिगो के मैनेजर हेड मैनेजर को जी, हेड मैनेजर को सरेआम जी पटना जहां मुख्य जगह है, जहां DGP का जगह है, SSP का जगह है, जहां मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है, वहां हत्या किया जाता है, तो इससे बड़ा कोई घटना हो सकता है क्या? और यही कानून व्यवस्था है, खुलेआम दिन दहाड़े रोज मर्डर, आप पेपर में उठिएगा तो देखिएगा पहल का मर्डर रहेगा, जो बिहार में किसी न किसी कोना में अच्छे लोगों को मारने का काम होता है। इसलिए नीतीश कुमार जी जो 2005 में काम किए, आज नीतीश कुमार 2005 में नीतीश कुमार काम किए थे, दम किए थे, लेकिन 5 और 10 में जो किए जी वो आज नहीं है, कारण कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए था, वो मात्र 43 सीट के राजा बने जी। और उनके जो मित्र हैं, मित्र साथी हैं, वो 74 सीट लेके आया है जी। जो 74 सीट लेके आया है 43 वाले को कुछ पूछता नहीं है, और इनमें जो आपसी लड़ाई है देखते हैं कि रोज पेपर में आ जाता है, मीडिया में आ जाता है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार है जी, लेकिन शाम के फिर फेल होता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार आज नहीं होगा। आप लोग NDA के ऊपर सवाल उठाते हैं, लेकिन NDA के नेता कहते हैं आप ही के यहाँ सब कुछ नहीं सही चल रहा, कभी भी RJD टूट सकती है, कभी भी भाजपा विलय हो सकते हैं। आप लोग देखिए जी, ये तो इन लोगों का क्या बोलते हैं कि यथी मुँह से कुछ बोल देना है जी। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी किसी को उनमें कोई बदलाव लाता था, लेकिन लालू जी के पार्टी का तोड़ने का किसी का हिम्मत नहीं है। हम चैलेंज करते हैं, ऐसे बात बोलने के लिए तो अलंगर बात बोलते हैं, गलत बात बोलते हैं, तो उसके कौन बात के पीछे रहेगा, लेकिन हम लोग एकजुट हैं और RJD के जितने विधायक हैं उसको कोई हिला नहीं सकता। जिस तरीके से आप लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या नीतीश कुमार और BJP जो मौजूदा समय जो सहयोगी हैं NDA के, 5 साल तक नहीं चलेंगे साथ में? आप देख रहे हैं ना, मुकेश सहनी जी को देखे ना, MLC में सीट लेना था तो कह रहे थे कि नहीं हम 6 साल वाले में जाएंगे, हम 4 साल वाले में नहीं जाएंगे। कभी बदलाव आ सकता है और उनमें निश्चित रूप से टूट होगा, कारण कि आप सबको पद पर नहीं ला सकते हैं ना, तो उनमें दम और आप माझी जी उनमें नहीं रहेंगे। मुकेश सहनी भी आज ने कल बदलाव करेंगे और निश्चित रूप से हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, इंतजार करिए थोड़ा। तो कौन आपके पास आएंगे, सहनी मांझी सब आपके पास आ जाएंगे? हम उनके पार्टी को तोड़ेंगे, उनके पार्टी के लोग आएंगे, समझे ना। हाँ।
लोग बहुत संपर्क में लोग हैं, लगे हुए हैं कि नीतीश जी के यहाँ मान सम्मान नहीं मिल रहा है, समझे। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री लेकिन आप लोग बनाइएगा। तेजस्वी जी हमारे नेता हैं जी। तेजस्वी जी को तो हम लोग स्वीकार जनता में किए थे कि हमारे अगर हम सत्ता में आते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी जी होंगे। और इसके लिए आप किसी भी पार्टी को तोड़ने के लिए तैयार हैं? तैयार पार्टी तोड़ने का, पार्टी के तोड़ने का हम बात नहीं बोले, लोग खुद आने के लिए तैयार हैं। जहाँ सम्मान मिलता है लोग वहाँ आते हैं। हम जदयू के लोग थे, हम कैसे तेजस्वी जी में आ गए। एक अंतिम प्रश्न है कि जब भी आप लोग सवाल उठाते हैं बिहार सरकार के ऊपर तो उनके तरफ से कहा जाता है कि एक नेता आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो सजायाफ्ता हैं और जो बिहार में देख रहे हैं तेजस्वी यादव, वो दिल्ली फरार हो जाते हैं। अच्छा, उनसे पूछिए ना कि भवन निर्माण मंत्री जो बनाए हैं जी, उनके पत्नी पर करप्शन का CBI का केस चल रहा है, तो क्यों मंत्री उनको रखे हुए हैं? अरे आप किसी को, हमारे नेता को फंसा दिए, उसी में आपने सबको निकाल दिया और लालू जी को आपने करप्शन साबित कर दिया। चलिए कोर्ट किया, इसलिए कोर्ट के मामले में हम लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं जी। और न्याय तुरंत मिलने वाले हैं लालू जी को, न्याय तुरंत तुरंत मिलने वाला है लालू जी को न्याय। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद भाई आपको।